गाइज़, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल शिवम आर्ट गैलरी। आज का ट्यूटोरियल पीकॉक ड्राइंग पे है, तो वाटर कलर से हम स्टार्ट करेंगे अपना पीकॉक। जिसके लिए मैं केक्स में जो अवेलेबल हैं वाटर कलर वो यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरे पास कैमलिन के हैं, तो आपको कोई भी ब्रांड मिलता है आप यूज़ कर सकते हो। बिगिनर के लिए बहुत हेल्पफुल है ये वीडियो, सो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और वाटर कलर आप राउंड ब्रशेस का यूज़ कर सकते हो वाटर कलर के लिए। मैं वाटर कलर के लिए ये राउंड ब्रशेस यूज़ कर रहा हूँ, और शीट हैंडमेड है तो बेटर है, अदरवाइज़ आप आइवरी शीट या ड्राइंग शीट भी आप यूज़ कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, सिंपल वे से स्टार्ट करते हैं हम आज का। सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ मैं फेस के लिए, और बॉडी के लिए एक सेकंड सर्कल ट्राई कर रहे हैं हम। लाइट ड्रॉ करना है हमेशा। ये नेक के लिए लाइट मैंने एक कर्व दिया है, और नीचे वाली साइड भी हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे लाइटली। और इसका बॉडी शेप देंगे अब। ये बॉडी शेप बन चुका है हमारा, इसका नेक कंप्लीट है। लाइट रखेंगे लाइंस, अब डिटेलिंग की तरफ आते हैं धीरे धीरे। ये बीक हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसका बीक का शेप आपने अच्छे से ड्रॉ करना है। ये आइज़ सेंटर में, और इसके जो हेड पे हैं उसको हम एक रफ़ लाइन दे देंगे, और इसके जो ये विंग्स हैं उसको भी हम ऐसे रफली ड्रॉ कर लेंगे। जितने डिटेलिंग पार्ट्स हैं हम बाद में करते हैं कवर। यहाँ से हम इसका फैदर स्टार्ट करते हैं। ये इसका फैदर जो बिग साइज़ में है, ग्रीन कलर का आएगा, वो ड्रॉ कर रहे हैं हम। बिल्कुल लाइट रखना है आपने, और अंदर के डिटेलिंग को हम लाइट एक रफ़ लाइंस ड्रॉ करेंगे हम अंदर के डिटेलिंग के लिए। इसकी लेग्स पे आते हैं हम, बिल्कुल लाइट रखना है आपने इसके लेग्स को, और लेग्स का शेप आपने बहुत अच्छे से ड्रॉ करना है। ये एक ब्रांच, ट्री ब्रांच हम ड्रॉ कर रहे हैं, जिस पे हम इसको बैठा हुआ दिखाएंगे। इसके फुट सिंपल एक लाइंस में हाईलाइट कर देंगे इसके फुट। इरेज करते हैं, लाइट कर देते हैं इसको, क्योंकि अब कलरिंग पार्ट स्टार्ट होगा। जितनी भी लाइंस है हल्का हल्का कर लेंगे उसको डार्क, ताकि विजिबल रहे थोड़ा बहुत, कलर करने में आसानी होगी फिर। ये कंप्लीट है अब इसमें हम कलर स्टार्ट करते हैं। कलर स्टार्ट करने से पहले मैंने दो दो ड्रॉप्स वाटर के इन पे डाल दिए हैं, ताकि ये यूज़ ईज़िली हो जाएंगे। नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे, उसके लिए मैं डार्क ब्लू यूज़ कर रहा हूँ। आईज़ को ध्यान से बचा के आपने करना है, आईज़ में कलर नहीं जाना चाहिए। तो इसके नेक में हम पहले स्टार्ट करेंगे, डार्क ब्लू से स्टार्ट कर रहे हैं। आईज़ को ध्यान से करना है आपने कलर। ये ब्लू है, डार्क ब्लू कलर, हल्का सा मैंने ग्रीन को ऐड किया है इसमें, और यहाँ मैं हल्का सा एक ब्राउन का टच दे रहा हूँ। ब्राउन को डार्क करने के लिए आप हल्का सा डार्क ब्लू ऐड कर सकते हो इसमें, और जो ऊपर वाली साइड है हल्का सा मैं ब्राउन शेड दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे वाटर अप्लाई कर रहा हूँ, कलर करना इजी हो जाएगा, आप भी ऐसा कर सकते हो। हल्का सा लाइट ग्रीन का टच कर रहा हूँ मैं। कलर ध्यान से करना है, एक दूसरे में मिक्स नहीं होने चाहिए। ये ऊपर जो ब्राउन कलर दिया मैं, इसमें मिक्स नहीं होना चाहिए ये कलर।
यहाँ पे हल्का सा मैं ब्राउन को टच कर रहा हूँ, जैसे शेप है फैदर की उसके अकॉर्डिंग हम कलर को टच देंगे। ज़्यादा डिटेलिंग की तरफ नहीं जाना आप, हल्का जो कलर्स हैं उसको हम कलर सिर्फ टच करते चलेंगे। ग्रीन को और डार्क करने के लिए आप हल्का सा ब्लू ऐड कर सकते हो। मैं एक बार लाइट शेड दे रहा हूँ, यहाँ सर्कल्स आ जाएंगे, इसके फैदर को शो करेंगे हम। कर सकते हो इसमें, बहुत इजीली ये कलर फिल हो जाएगा। इसमें आप सिंपल कलर टच दोगे तो बहुत इजीली आपका कलर फिल हो जाएगा। इसमें अच्छे से आपने इसको कलर फिल कर लेना है, और जो सर्कल्स हैं उसके अंदर आप हल्का हल्का डार्क ब्लू से टचअप दे सकते हो। हल्के से मैंने डॉट दिए हैं। जब ये ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम इसकी डिटेलिंग की तरफ वर्क करेंगे। इसके बीक में मैं येलो ऑर्च शेड दे रहा हूँ, आप चाहे तो येलो में हल्का सा ब्राउन ऐड करके भी ये अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे भी सेम येलो ऑर्च यूज़ कर रहा हूँ मैं, और हल्का सा ग्रीन के डॉट्स। यहाँ पे मैं हल्का सा ब्राउन को आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप येलो ऑर्च भी यूज़ कर सकते हो। लाइट एंड डार्क का आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे सिंपल लाइट शेड आप अप्लाई करोगे फर्स्ट, फिर लाइट एंड डार्क को अकॉर्डिंग आप उसमें डार्कनेस दे सकते हो। लास्ट में आप इसको फिनिशिंग के लिए ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हो इसकी डिटेलिंग करने के लिए।